हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपके साथ हूँ। इस वीडियो में हम अपना अलाइनमेंट का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद हम उसे एडिट किस तरह कर सकते हैं, यानी अगर हम अपने अलाइनमेंट में हमें कुछ कर्व या स्पायरल ऐड करने हैं वो हम किस तरह करते हैं, या अगर इस टाइप की कोई दो पार्ट्स में अलाइनमेंट है उसे हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हम किस तरह चेंज कर सकते हैं और डिजाइन क्राइटेरिया किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज एडिटिंग के लिए, ये एक मेरे पास अलाइनमेंट है, इसमें देखें ये दोनों टेंजेंट यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे यहां पे एक स्पाइरल ऐड करना है। स्पाइरल कर्व ऐड करने के लिए हम अलाइनमेंट को सेलेक्ट करेंगे और मॉडिफाई पैनल में से ज्योमेट्री एडिटर में जाएंगे। ज्योमेट्री एडिटर में ये आइकन है हमारे पास स्पाइरल्स के लिए, अगर इस पे क्लिक करते हैं ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहां पे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो दो टेंजेंट्स हैं, एक ये जो टेंजेंट इन है और ये टेंजेंट आउट। तो यहां पे हम देखेंगे कि क्या हमारे पास बिटवीन टू टेंजेंट का ऑप्शन है, तो ये देखें यहां पे हमारे पास ऑप्शन है फ्री कंपाउंड स्पाइरल स्पाइरल बिटवीन टू टेंजेंट्स, यहां पे भी है लेकिन ये फ्री रिवर्स स्पाइरल है। यहां पे जो हमारे पास है वो फ्री कंपाउंड स्पाइरल बिटवीन टू कर्व्स है, यहां पे बिटवीन टू कर्व्स है, और ये जो ऑप्शन है ये बिटवीन टू टेंजेंट्स है। तो हमारे पास अभी टेंजेंट्स है तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अब हमें यहां पे मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट द फर्स्ट टेंजेंट फर्स्ट एंटिटी, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट द नेक्स्ट, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पे हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई द स्पाइरल इन लेंथ, कि आपकी जो फर्स्ट स्पाइरल होगी उसका लेंथ, तो मुझे ये चाहिए 100 मीटर, मैं इसको 100 इंटर करता हूं। उसके बाद आ रहा है कि कर्व सॉल्यूशन ग्रेटर देन 180 और लेस देन 180, हमें लेस देन 180 चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है कि स्पाइरल आउट लेंथ, तो हमें ये भी 100 चाहिए, ऑलरेडी यहां पे डिफॉल्ट 100 है, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। इंटर, देखें जैसे ही इंटर किया हमारी कर्व जो है यहाँ पे ड्रा हो गई है। अब अगर मैं एस्केप करता हूं तो देखिए हमारे लेबल जो है वो भी अपडेट हो गए हैं। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि कर्व कहाँ पे है, स्पाइरल कहाँ पे है। इसके लिए अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक एडिट अलाइनमेंट स्टाइल, इस पे जाके हम डिस्प्ले के टैब में जाएंगे, यहाँ पे देखें कर्व्स, इसका कलर अभी ग्रीन है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे येलो। ओके, स्पाइरल इसको भी मैं चेंज कर देता हूं, स्पाइरल को मैंने मैजेंटा कर दिया है। ओके, अप्लाई। ओके, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ स्पाइरल ऐड किया था, कर्व ऐड नहीं किया था, तो अब ये देखें कलर हमारा जहां से चेंज हो गया, यानी ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद जहां से स्पाइरल स्टार्ट हो रही देखें उसका कलर मैजेंटा हो गया क्योंकि स्टाइल में हमने स्पाइरल के लिए मैजेंटा यूज किया था। नेक्स्ट यहां पे मुझे एक सिंपल कर्व ऐड करनी है, अगेन ये हमारा आइकन है फर्स्ट वाला सिंपल के लिए, कर्व के लिए मैं इस पर सेलेक्ट करता हूं। देखिए यहां पे डिफरेंट ऑप्शन है, फिक्स कर्व, थ्री पॉइंट, मोर फिक्स्ड कर्व, इसमें और भी काफी सारे ऑप्शन है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बेस्ट फिट, तो मेरे पास अभी जो है ये दो एंटिटीज है, यानी मुझे दो एंटिटीज के बीच में कर्व एड करनी है, तो देखें यहां पर एक ऑप्शन है फ्री कर्व फिलेट बिटवीन टू एंटिटीज विद रेडियस, तो मैं ये ऑप्शन यहां से सेलेक्ट करता हूं। फर्स्ट एंटिटी, सेकंड एंटिटी, लेस देन 180, अब हमारे पास आ रहा है कि रेडियस, तो मुझे ये रेडियस चाहिए 50 मीटर, 50, इंटर, देखिए हमारी कर्व यहां पे ऐड हो गई है। ये यहां पे येलो कलर में है क्योंकि हमने जब अलाइनमेंट का स्टाइल स्पाइरल के टाइम पे चेंज किया था तो हमने कर्व के लिए जो कलर यूज किया था वो येलो यूज किया था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि अगर हमारे पास इस टाइप का केस है, हमारे पास दो पार्ट्स हैं और हमने उन दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाना है, जैसे देखें यहाँ पे ये एक अलाइनमेंट है, इसके एंड पे ये कर्व है, फिर ये एक एम्प्टी पार्ट है हमारे पास, और ये इसका कुछ नेक्स्ट पार्ट है और ये कर्व से स्टार्ट होके लाइन में जा रहा है, इसके बीच में हमने स्पाइरल ऐड करनी है, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। ज्योमेट्री एडिटर के लिए आप यहां से इस आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं और अगर राइट क्लिक करके एडिट अलाइनमेंट ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो भी सेम टूल बार हमारा जो है हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारा स्पाइरल का आइकन है, इसमें जाके यहां से क्योंकि हमारे पास ये दो कर्व्स हैं तो मैं ये ऑप्शन यहां से ले रहा हूं
फ्री कंपाउंड स्पाइरल बिटवीन टू कर्व्स विद स्पाइरल लेंथ, इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंटिटी, नेक्स्ट एंटिटी। अब यहां पे हमको पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाई द स्पाइरल इन लेंथ, यानी जो फर्स्ट स्पाइरल है उसकी लेंथ। बाय डिफॉल्ट 200 है, मैं इसको 150 कर देता हूं, एंटर। स्पाइरल आउट लेंथ को भी मैं 150, एंटर। ये देखें हमारी जो स्पाइरल है वो ऐड हो गए हैं, स्ट्रेट लाइन भी बीच में ऐड हो गई है। अब जैसे ही मैं इसको एस्केप करता हूं, ये देखें हमारे लेबल जो है वो अपडेट हो चुके हैं। यहां पे देखें हमें तीन डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं, जो लाइन हमारा है वो ग्रीन है, जो सिंपल कर्व है वो येलो है, और जो स्पाइरल है वो मैजेंटा कलर में है। सेम केस आप यहां पे देखेंगे, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद स्पाइरल, और छोटा सा पोर्शन हमारे पास यहाँ पे आर्क का, ये जो येलो कलर आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद फिर भी हमारी ग्रीन लाइन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर हम अपनी लाइन की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज हमें चेंज करनी पड़ जाए अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद, तो उसके लिए भी जैसे मुझे इस अलाइनमेंट को चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, ये आइकन है अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज का जो डायलॉग बॉक्स है वो हमारा ओपन हो गया। यहां पे सबसे पहला टैब है इंफॉर्मेशन, यहां से हम अपने लाइन का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें मैं अगर इसको मेन स्ट्रीट डैश वन कर देता हूं, हम अपनी लाइन ऑब्जेक्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं अलाइनमेंट का, ये प्रोपोज्ड है, आप चेंज करना चाहें यहां से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट की टाइप चेंज कर सकते हैं, सेंटर लाइन है, आप यहां से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। सेकेंड है स्टेशन कंट्रोल टैब में, इसमें कि आपकी जो लाइन का स्टार्टिंग स्टेशन है, देखिए अभी स्टार्टिंग स्टेशन जीरो है, अगर आपको चेंज करना हो तो यहां से आपका ये चेंज नहीं होगा, आप ये वैल्यू यहां से चेंज करेंगे। देखें अगर मैं इसको 200 कर देता हूं, अप्लाई, देखिए यहां पे आपको वार्निंग आ रही है कि आप स्टेशन चेंज कर रहे हैं, आपके लाइन के अलाइनमेंट से जितने भी रिलेटिव चीजें हैं वो सारी चेंज हो जाएगी। तो मैं जस्ट इसको ओके कर देता हूं, ओके, देखें ये मेरे लेबल्स अपडेट हो गए हैं। अगर मैं अलाइनमेंट के स्टार्ट पे जाता हूं तो देखें अब हमारा अलाइनमेंट का जो स्टार्ट पॉइंट है वो 200 है, पहले ये जीरो था। अगेन प्रॉपर्टीज के जो रिमेनिंग ऑप्शन है अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आपका है मास्किंग, अगर आपको अपने अलाइनमेंट का कुछ पार्ट हाइड करना है तो आप ये आइकन पे क्लिक करेंगे, एड मास्किंग रीजन, देखें मैंने इस पे क्लिक किया है। अब मुझे वो स्टेशन सेलेक्ट करना है, सपोज के मुझे यहां पे ये पार्ट को हाइड करना है जितना भी, तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। अब नेक्स्ट जिस भी पार्ट पे जाके मैं क्लिक करूंगा तो इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है वो हाइड हो जाएगा। देखें मास्किंग अप्लाई हो चुकी है, इसको मैं अप्लाई, ओके, ये देखें जहां पे हमने दिन दो पॉइंट पे क्लिक किया था इन दोनों के बीच में ये लाइन हमारी हाइड हो चुकी है। इसको वापस शो करने के लिए अगेन हम इसको क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, जस्ट यहां से ये देखें मास्क, ये बॉक्स चेक है, मैं इसको अनचेक कर देता हूं, ओके, देखें हमारी अलाइनमेंट वापस जो है वो डिस्प्ले हो गई है। मास्किंग रीजन हमारा अभी भी वहां पे अवेलेबल है, अगर मैं इसको क्लिक करके अगेन अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज, देखें रीजन अभी वहां पे अवेलेबल है, जस्ट हमने उसको अनचेक कर दिया है। अगर वापस आपको हाइड करना है जस्ट आप इसको क्लिक करके ओके कर देंगे तो आपकी अलाइनमेंट हाइड हो जाएगी। सेकेंड है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि आपके वो पॉइंट जहां पे आईपीआई नहीं होता वो पॉइंट आप किस तरह किस फॉर्म में शो करना चाहते हैं। तो इसमें तीन डिफरेंट मेथड है, चेन इंजन अलाइनमेंट डायरेक्शन, बाय इंडिविजुअल कर्व्स, या डू नॉट डिस्प्ले द इंप्लाइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है कंस्ट्रेन एडिटिंग, अगर आपकी जो कंस्ट्रेंट है फ्री फ्लोटिंग जिसके हिसाब से आप चाहें यहां से आप इनको चेक या अनचेक कर सकते हैं। लास्ट में डिजाइन क्राइटेरिया, कि अलाइनमेंट के ऊपर अगर आपने डिजाइन क्राइटेरिया, हमने जितने भी अभी तक अलाइनमेंट क्रिएट किए वो विदाउट डिजाइन क्राइटेरिया किए थे, तो अभी हम इसके ऊपर डिजाइन क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस बॉक्स को चेक करता हूं, देखें अभी ये जो पाथ है ये ऑफ है, ये भी देखें यूज डिजाइन क्राइटेरिया फाइल का जो भी आइकन ग्रे कलर में है तो ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं इस बॉक्स को चेक करता हूं, यू नीड एटलीस्ट वन डिजाइन स्पीड टू यूज, अभी यहां पे कोई भी डिजाइन स्पीड मैंने नहीं, तो मैं इसको यस कर देता हूं। तो ये देखें जैसे ही मैंने यस किया ये डिजाइन स्पीड यहां पे डिस्प्ले होनी शुरू हो गई है, और ये देखें ये सारे के सारे आइकन एक्टिव हो गए हैं।
अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये सिविल 3D के डिफॉल्ट डिजाइन क्राइटेरियाज है, जो डिजाइन फाइल्स हैं। अगर आपकी कंपनी ने कोई अपनी फाइल बनाई हुई है, आप वहां से वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से ये डिफॉल्ट मैट्रिक 2011 है, तो मैं इसी को चूज कर रहा हूं। यहां से हम ये स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड चीज, यहां पे हमारे आते हैं मिनिमम रेडियस टेबल। तो ये देखो, आज तो 2011 मेट्रिक सुपर एलिवेशन मैक्सिमम 4%। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें सारे ऑप्शन मेरे पास दिए हुए, 6%, 8%, 10, 12 या 9 सुपर एलिवेशन। तो आप जिस भी सुपर एलिवेशन रेशियो पे डिजाइन कर रहे हैं, यहां से आप वो सेलेक्ट करेंगे। मैं 4% रख रहा हूं। उसके बाद आता है ट्रांजिशन लेंथ टेबल, 2 लेन 4 लेन जो भी आपने रखने हैं वो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है अटेनमेंट मेथड, आज तो 2011 क्राउन रोडवे, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं, प्लानर रोडवे या क्राउन रोडवे। ये जितनी चीजें जो भी आप लोकल जिस भी जगह पे काम कर रहे थे उनके स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। उसके बाद आता है कि यूज डिजाइन चेक सेट बेसिक, आप अपने न्यू डिजाइन चेक सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहां पे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने न्यू भी बना सकते हैं। मैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है बेसिक, उसी को यूज कर रहा हूं। नॉर्मली ये जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में या जहां पे भी लोग काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सब डिजाइन से रिलेटेड होता है, तो ये चीजें ऑन फील्ड नहीं बनाई जाती। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड होते हैं और ऑलरेडी कंपनीज के पास अवेलेबल होते हैं। तो जस्ट इसको अप्लाई, ओके। अब देखिए, अगर हम यहां पे आते हैं, यहां पे हमको एक ही एक्सप्लेनेशन मार्क मिल रहा है। अगर मैं कर्सर को इसके ऊपर लेके जाता हूं तो देखें, कर्सर के साथ हमको मैसेज आ रहा है कि करंट रेडियस 50 मीटर है, जबकि आपने जो डिजाइन क्राइटेरिया यूज किया है उसके मुताबिक आपका मिनिमम रेडियस 492 होना चाहिए। अगर मैं इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके, ये देखें डिजाइन क्राइटेरिया एडिटर, डिजाइन क्राइटेरिया एडिटर, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये देखें यहां पे अलाइनमेंट। अगर मैं इसको क्लिक करूं मिनिमम रेडियस टेबल, यहां पे इसको मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखें हम किस 4% पे कर रहे हैं, 6%, 8, 10, 12 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। देखें जैसे ही मैं 4 पे क्लिक करता हूं तो ये इसकी यहां पे डिजाइन स्पीड और यहां पे रेडियस, हमने क्योंकि 100 पे रखा था तो देखें अगर 100 मीटर किलोमीटर पर आवर है तो उसके लिए मिनिमम रेडियस 492 है। देखें अगर 6% करते हैं, इसके अपने स्टैंडर्ड है, 8% इसके अपने स्टैंडर्ड है। देखें जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है, यहां पर जो रेडियस है वो चेंज होते जा रहे हैं। इसको मैं बंद कर देता हूं। इसके लिए अगर हम ज्योमेट्री एडिटर में जाके ग्रिड व्यू को क्लिक करते हैं, देखिए यहां पे भी ये एक्सप्लेनेशन मार्क जो है वो आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करके यहां से रेडियस चेंज कर देता हूं, मैं इसको 500 क्योंकि मिनिमम 492 है, इंटर। देखिए जैसे मैंने इंटर किया, ये जो एक्सप्लेनेशन मार्क यहां पर था ये खत्म हो गया है। अब अगर मैं इसको क्लोज करता हूं, देखिए कर्व हमारी एडिट हो गई है और वो जो यहां पे वार्निंग साइन था वो भी यहां से खत्म हो गया है। इसी तरह जहां जहां पे भी आपको वार्निंग साइन हो, आप अपने डिजाइन क्राइटेरिया के हिसाब से उनको चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ एक वार्निंग होती है, सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो डिजाइन क्राइटेरिया आप यूज कर रहे हैं वो आपके जो रूट आपने ड्रा किया हुआ है उससे मैच नहीं कर रहा। सेकेंड चीज है कि जब हम कर्व्स ऐड कर लेते हैं तो फिर हमें इन कर्व के ऊपर अगर लेबल लगाने हो, इसको मैं यहां से क्लोज कर देता हूं। अलाइनमेंट में प्रीवियसली जो हमने लेबल लगाए थे वो ये इसके मेजर और माइनर थे, लेकिन अगर हमें इसके ऊपर और भी जो डिटेल्स है वो शो करने हैं, उसके लिए एक ऑप्शन है, आप अलाइनमेंट को सेलेक्ट करें और यहां से एड लेबल के ऑप्शन पे आ जाए। अगर आपने अलाइनमेंट को सेलेक्ट नहीं करना तो आप एनोटेट पे जाएंगे तो देखें यहां पर भी सेम आइकन है एड लेबल्स। हमें ये अलाइनमेंट के ऊपर लेबल्स लगाने हैं तो मैं इसे सेलेक्ट करके एड लेबल्स, अब देखें यहां पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एड अलाइनमेंट लेबल्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये देखें एड लेबल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। फीचर ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है अलाइनमेंट, क्योंकि हमने अलाइनमेंट को पहले सेलेक्ट कर लिया था। अगर आप एनोटेट के टैब में जाएंगे और वहां से आप एड लेबल्स पे जाएंगे तो फिर आपका ये फीचर अलाइनमेंट सेलेक्ट नहीं होगा, फिर आपने यहां से इसको जाके पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है लेबल टाइप, स्टेशन ऑफसेट फिक्स पॉइंट हमें नहीं चाहिए, हमें अपने अलाइनमेंट के ऊपर लेबल चाहिए। तो हमारा ये दो ऑप्शन हम यूज करेंगे, सिंगल सेगमेंट मल्टीपल सेगमेंट।
ये बाकी जितने ऑप्शन है इनके बारे में पहले मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो वहां से भी देख सकते हैं और मेरे प्लेलिस्ट में है, वहां से भी आप देख सकते हैं। सिंगल सेगमेंट, अगर आपने अपने अलाइनमेंट की सिंगल सिंगल सेगमेंट को लेबल करना है, जैसे अगर मैं ये सिंगल सेगमेंट लेता हूं, उसके बाद है लाइन लेबल स्टाइल, कि लाइंस के ऊपर आपको क्या लेबल चाहिए, कर्व लेबल स्टाइल, कर्व्स के ऊपर आपको क्या चाहिए, स्पाइरल लेबल स्टाइल, स्पाइरल पे आपको क्या चाहिए। आप इसको यहां से चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं यही रख रहा हूं। बेयरिंग एंड डिस्टेंस, ये आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू, जिस तरह हमने पहले सरफेस के या जो भी लेबल थे, सेम प्रैक्टिस में आप ये न्यू क्रिएट कर सकते हैं। कर्व लेबल स्टाइल, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपने रखना हो। इसी तरह स्पाइरल के लेबल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को डिफाइन करने के बाद एड पे क्लिक करेंगे। अब देखें यहां पर हमको मैसेज आ रहा है सेलेक्ट पॉइंट ऑन एंटिटी, जिस चीज को आपने लेबल करना है। देखें अगर मैं ये कर्व के ऊपर क्लिक करता हूं, ये देखें इसका रेडियस, इसकी लेंथ और इसका डेल्टा, तो ये सिर्फ इसी कर्व के ऊपर लेबल लगा है। देखें अगर हम इस अलाइनमेंट कर देखते हैं, इस लाइन पे कोई लेबल नहीं है, बाकी जो पार्ट्स है यहाँ पे भी कोई लेबल नहीं है, क्योंकि यहां से हमने सिंगल सेगमेंट जो है वो सेलेक्ट किया था। अब अगर यहां से मैं चेंज कर देता हूं और मल्टीपल सेगमेंट कर देता हूं, लेबल मैं सारे स्टाइल डिफॉल्ट ही रख रहा हूं, एड। अब देखें अगर मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूं, मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया, देखिए यहां पे इसकी बेयरिंग और इसकी जो लेंथ है वो आ गई है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो देखें इसकी भी बेयरिंग और लेंथ हमारे पास आ गई है। थर्ड लेंथ पे भी देखें हमारे पास इसकी लेंथ और इसकी बेयरिंग डिस्प्ले हो रही है। तो ये पूरे की पूरी अलाइनमेंट एक ही बार में जो है हमारी वो लेबल हो चुकी है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो देखें इसके भी, ये देखें स्पाइरल, स्पाइरल इन, लाइन, कर्व, यानी पूरे की पूरी अलाइनमेंट एक ही बार में लेबल हो चुकी है, क्योंकि यहां से हमने जो यूज किया है वो मल्टीपल सेगमेंट किया है। लेबल लगाने के बाद हम इन लेबल के टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे जाता हूं, एड टेबल्स, अलाइनमेंट टेबल, अब यहां पे हमारे पास ऑप्शन है लाइन, कर्व, स्पाइरल, एड सेगमेंट्स। अगर हम यहां से एड लाइंस लेते हैं, जैसे भी क्लिक करेंगे ये हमारे पास टेबल क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहां पे हमारा टेबल स्टाइल है, अभी यहां पे एक ही स्टाइल है, आप न्यू स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं उसी डिफॉल्ट को यूज कर रहा हूं। उसके बाद आता है सेलेक्ट बाय लेबल, तो हमने जो लेबल स्टाइल यूज किया है वो बेयरिंग ओवर डिस्टेंस है, तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट करता हूं। यहां पर आपका टेबल किस लेयर में होगा, मैक्सिमम रो पर टेबल, या आपके टेबल में रो कितनी होंगी, 20, मैक्सिमम टेबल पर स्टैक, एक स्टैक में आपके टेबल्स कितने आएंगे। उसके बाद है स्टैटिक या डायनामिक, अब अक्रॉस या डाउन, कि आपका जो इंक्रीमेंट है वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए या टॉप टू डाउन होना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, मैं अक्रॉस पे रख रहा हूँ। डायनामिक रखेंगे ताकि नेक्स्ट में अगर हम इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं तो हमारा टेबल जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये चीजें डिफाइन करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखें हमको ये मैसेज आ रहा है कि क्लिक द पॉइंट टू टेबल, तो जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ये देखें मेरे अलाइनमेंट के लाइन, लेंथ, उसकी डायरेक्शन, स्टार्ट पॉइंट की ईस्टिंग नॉर्थिंग और एंड पॉइंट की ईस्टिंग नॉर्थिंग। और अब अगर यहां पे हम जाके देखते हैं, देखें हमारे लाइन्स के पहले जो लेबल थे वो बेयरिंग और डिस्टेंस था, लेकिन अब यहां पर एक स्पेसिफिक नंबर आ गया, जैसे ये L6 लिखा हुआ है, लेकिन हमारा कर्व के कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो टेबल ऐड किया वो सिर्फ लाइन के लिए है। तो अब ये देखें L6, और अगर हम अपने टेबल पे जाते हैं ये देखें L6 की हमारी जितनी भी डेट है वो सारे की सारी डिटेल यहां पे शो हो रही है। इसी तरह बाकी लाइनों को भी अगर आप देखते हैं, ये देखें L4, क्योंकि हमने पहले इस अलाइनमेंट से स्टार्ट किया था, तो ये देखें यहां पर आके ये L3, L2, L1, इस तरह जितने भी आपके पास लेबल्स हैं आप उनके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने कर्व्स का टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, जस्ट ऐड टेबल, अलाइनमेंट, ऐड कर्व्स, ये सारी चीजें डिफॉल्ट रखेंगे, जस्ट यहां से अपना स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, ओके। तो देखें जैसे ही मैं क्लिक करता हूं मेरा कर्व का टेबल जो है वो भी एड हो गया। तो ये देखें C3, C1, C2, अब अगर हम यहां पर आते हैं तो ये देखें यहां पर
ये कर्व दोनों के जो नंबर है C1, C2, और यहां पे जो हमारे पास कर्व थी C3, देखें पहले यहां पे इसका डेल्टा एंगल सॉरी डेल्टा रेडियस और लेंथ थी, अब जस्ट ये एक यूनिक नंबर हो गया है, इसको हम यहां से चेंज भी कर सकते हैं ड्रैग करके, और यहां पे इसकी सारी की सारी डिटेल हमारे पास अवेलेबल जो है वो टेबल में आ गई है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।